गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो आपका मोस्ट वेलकम और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके या उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेल को दबाना, जैसे राइट साइड में रेड कलर्स में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबाना और ऊपर बेल की घंटी का यह बटन आता है उसको दबाना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होती है वो आप तक पहुंच सके। तो जय मां सरस्वती के नाम से आज हम क्लास को शुरू करते हैं। तो प्लीज वीडियो वाज अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ नया मिलेगा। तो आज हम सभी स्कूल में जाते हैं, बच्चे बचपन में सभी कुछ सीखते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। आज हम फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट क्या होती है, जैसे तेज, मल्टी का ऐड माइनस करते हैं, तो आज हम सिर्फ मल्टीप्लेक्शन करते हैं फास्ट। तो इसमें करते हैं हम, तो प्लीज वीडियो को देखते रहना, बेहतर तरीके से समझाएंगे हम अच्छी तरह से। तो हमारा आज का टॉपिक है फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन क्या होते हैं, जिसको हम जल्दी से कर सकते हैं उसे हम फास्ट कैलकुलेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स लेते हैं, कुछ संख्या लेते हैं, तो जैसे हम, तो प्लीज देखते रहना कुछ अच्छा होगा। तो हमारे पास जैसे कोई भी है 75 है, 75 को हम इससे मल्टी करते हैं। बच्चे फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे बड़ी अरे कुछ एग्जाम में भी आते हैं भाई इनकी मल्टी करो, तो जल्दी से हम उसको मल्टी कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता। जैसे इससे बात ज्यादा डिजिट लेंगे हम तो उसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। तो प्लीज देखते रहना। तो जैसे हम क्या करते हैं बचपन में, 5 5 या 5 5 7 7 या मल्टी का निशान डालते हैं, फिर 5 5 7 7। इसको फिर ऐसे हम ऐड करते हैं, 5 5 7 5 12 41 लिख देते हैं, 7 7 और 41 8। इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं। या फिर जैसे हमारे पास, प्लीज देखते रहना अच्छी तरह से कुछ बेहतर नया मिलेगा। जैसे हमारे पास ये आ जाती कोई भी संख्या, इसको हम जैसे मान ले इससे करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर 11 से करा था, इसको अंदर हम 111 से करेंगे, इसको हम 111 से करके देखते हैं। तो जैसे 100 2 1 2 2 1 2 या मल्टे का निशान, 100 2 1 2 2 1 2 या फिर मल्टे का निशान डालेंगे हम 100 2 1 2 2 1 2 इनका जोड़ करते हैं हम 0 2 2 2 4 2 2 4 और 2 के 2। तो हम बचपन में लगभग ऐसे ही फास्ट कैलकुलेशन या मल्टी ऐसे करते थे हम, लेकिन आज हम कुछ ऐसे करेंगे, देखते हैं। तो प्लीज देखते रहना। जैसे हमारे पास 87 है, 87 को हम 11 से मल्टी करते हैं, 11 से मल्टी, इसके अंदर हम लगाते हैं फास्ट कैलकुलेशन। क्या लगाएंगे हम, फास्ट कैलकुलेशन। ये क्या हमारे पास 87 मतलब 87, कितने हमारे पास 87, इसको हमने रख दिया 87। हम देखते रहना। तो प्लीज अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ठोक देना व्यास। तो देखना आज हमारे पास ये कितने डिजिट हैं। हमारे पास जैसे डिजिट बोलते हैं इसको 1 2, कितने होते हैं 2। तो 10 हम इस तरफ डालेंगे और 10 इस तरफ डालेंगे, बताते हैं ध्यान से देखते रहना। अगर हमारे पास जो सेम संख्या होती है, कोई भी नंबर होता है, उसको हम यहाँ डाल लेते हैं।
अगर हमारे पास दो डिजिट है यहाँ, जैसे वन वन की भर्ती करते हैं 11 होता है, डिजिट है दो, उसमें से एक कम कर देते हैं तो एक जीरो तरफ डालेंगे, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ। अब जैसे इसके अंदर हमारे पास कितना था, दो डिजिट है तो दो अंकों का ऐड करेंगे हम, जीरो को सेवन को ऐड करेंगे क्या आएगा, सेवन, सेवन आ गया। अब इस जीरो को हम छोड़ देते हैं, अब इस जीरो को छोड़ देंगे तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, आठ सात कितने हो गए 15, 40 कितनी बची एक। अब इस एक को और ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, अब इसमें जीरो में आठ जोड़ेंगे, आठ एक 41 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास करके लिखे हैं हमने 87 और 87, सात पांच और 9। तो अगर करने से पहले हम उसको जल्दी कर सकते हैं तो अपना कैलकुलेटर निकालकर चेक कर सकते हैं भाई कैसे करते हैं। सिर्फ इसके अंदर ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास दो, जैसे वन वन आ जाता है, वन वन की जैसे मल्टी करते हैं, इसके अंदर दो डिजिट हैं, समझने के लिए बहुत बेहतर तरीका है। अगर यहाँ दो डिजिट आ जाते हैं तो एक जीरो लगानी है इसके अंदर, एक जीरो राइट लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। अब इसमें सिर्फ हम दो अंक जोड़ेंगे, इन दोनों अंकों का जोड़ करेंगे हम, इन दोनों अंकों को जोड़ करेंगे तो सेवन। अब इसको ले लेते हैं, अब इन दोनों का करेंगे, अब इन दोनों का करते हैं तो 8 7 15। अब इसको एक और कम कर देते हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर 15 के अंदर 41 बची थी हमारी। अब जीरो में 8 ऐड करेंगे, 8 8 9, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हम 111 वाले करके देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है, 240 ले लेते हैं हम, ध्यान से रखना, ध्यान से देखते रहना। अब इसको हम अपना कैलकुलेटर निकाल लेना, मल्टी करके देख लेना, सेम आएगी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना। अब इन दोनों की जैसे हमारे पास 240 डिजिट कितने हमारे पास 1 2 3, तो उसमें से एक काम करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ दो डिजिट थे तो एक जीरो लगाई थी, हमारे पास तीन डिजिट आ गए तो दो जीरो इस तरफ डालेंगे हम और दो जीरो इस तरफ डालेंगे, डाल दिया हमने। अब हम जैसे इसके अंदर तीन डिजिट है तो तीन अंकों का जोड़ करेंगे हम, सॉरी किसका जोड़ करेंगे, तीन अंकों का, क्या आएगी जीरो। अब एक जीरो छोड़ देते हैं, इन तीनों का ऐड करेंगे, इन तीनों का कितना आ गया 4। अब इसको छोड़ देते हैं, इन तीनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 6। अब इसको और छोड़ देते हैं, इसको इन तीनों का ऐड करेगा 6 आया, इन तीनों का 4 2 6। अब इसको छोड़ देते हैं, फिर इसका कितना आएगा 6, फिर इन तीनों का ऐड करते हैं। अब जैसे यहां तक पहले हमने इन तीनों का ऐड कराया 0, यहां तक आ गई, अब इसको ऐड कराया 4, अब इसको ऐड कराया 4 2 6, अब फिर इसको ऐड कराया 4 2 6, तीनों का ऐड करेंगे 2, ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना अपने कैलकुलेटर से निकालकर। तो हमारे पास जितने भी डिजिट आते हैं उतने उससे एक कम लेफ्ट और राइट में जीरो रख देते हैं उतने डिजिट। अगर तीन तीन अंक आते हैं, जैसे सिर्फ ये फॉर्मूला उसके अंदर लगेगा, जैसे 11 है 111 है 11111 है, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहां संख्या कुछ भी ले सकते हैं, निकालकर देखना बहुत ही बेहतर फॉर्मूला है। अच्छी तरह से इसको हम अगर छोटे बच्चे करते हैं तो उसको हम सिखा सकते हैं आसानी से, लेकिन बहुत ही फास्ट तरीका है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो जैसे हमें मल्टी का निशान डाल के ऐसे करेंगे 4 4 0 0 1 0 0 4 1 4 2 1 2 मल्टी का निशान डाले, फिर वन से करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे देर में। तो सिर्फ इसका ध्यान रखना, अगर तीन डिजिट है या 1 2 3 डिजिट है तो उससे एक कम 2 0 राइट में और लेफ्ट में डाल देंगे। हमारे पास तीन डिजिट है तो तीन तीन अंकों का जोड़ करेंगे हम, तीन अंक पहले ये ले लेंगे, फिर उससे तीन ये ले लेंगे, फिर उससे तीन ये ले लेंगे, फिर उससे तीन ये ले लेंगे। पहले हमने यहां तक लिया, फिर इसके अंदर 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 यहां तक लिया। तो हमारे पास अब इससे आगे जैसे हम और संख्या लेते हैं, यहां कोई भी संख्या रख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी रख सकते हैं हम इसके अंदर, लेकिन यहां हमें सिर्फ 11 को रखना है। यहां हम कितना भी डिजिट, कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं, कितनी भी संख्याएं उसके अंदर रख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये है
रख दिया हमने। दो अंक थे हमारे पास, दो अंक थे तो दो अंक थे तो उसमें से एक एक जीरो लेफ्ट और राइट में रख देते हैं। अब इन दो अंक थे तो दो दो अंकों का जोड़ करेंगे सिक्स, अब इन दोनों का ऐड करेंगे इलेवन का वन इक्यालीस, अब इन दोनों का ऐड करेंगे नाइन इक्यालीस, टेन की जीरो इक्यालीस, अब इन दोनों का ऐड करेंगे फोर और एक फाइव। तो ये बेस्ट तरीका है मल्टी का, सीख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी एग्जाम में भी आते हैं मल्टी के, तो उसको हम आसानी से जल्दी से समय बचाने के लिए बेस्ट ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो मत करना। यहां कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास एक सम और लेके देख सकते हैं हम, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे हम ये ले लेंगे इसके अंदर, अब जैसे हम इसको क्या करेंगे 200 235, बताया था अगर जितने अंक होते हैं उससे एक कम करके जीरो लगाते, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तीन जीरो डालेंगे इसके अंदर। अंक कितने हमारे पास, एक दो तीन चार, तो चार अंक जोड़ने में, चार अंक कहां तक आएंगे यहां तक, तो चारों का ऐड करेंगे हम, कितना आएगा फाइव, इसमें से कम कर देंगे यहां तक जोड़ेंगे, पांच अब तीन आठ, अब यहां तक जोड़ेंगे, तीन दो पांच, पांच चार पांच, दस की जीरो हासिल है, अब यहां तक जोड़ेंगे, यहां तक जोड़ेंगे तीन, कितने जोड़ने हैं, अगर चार हैं तो चार अंक ही जोड़ेंगे हम इसके अंदर, तो यहां तक जोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर हमें। अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हम ध्यान से जोड़ लेंगे, दोबारा से देखो, अगर इसके अंदर हमारे जैसे चार अंक है तो इसके अंदर चार अंक यहां तक जोड़ेंगे हम इसके अंदर, तो चार अंक जोड़ेंगे हम पांच, अब यहां तक लेंगे हम, एक छोड़ देंगे हम, एक दो तीन चार अंक हो गए, इन चारों का जोड़ एट आ गया, अब यहां तक लेंगे, इसमें से दो चीजें छोड़ देंगे, तीन और दो पांच, पांच और पांच दस की जीरो इक्यालीस, अब इसमें से ये छोड़ देंगे, यहां तक ले लेंगे दस, दस रेट ग्यारह, अब इसमें से फिर इक्यालीस लग गई, अब इसमें से यहां तक लेंगे, यहां तक लेंगे तो एक दो तीन चार, तीन और दो पांच, पांच रेट छ, यहां तक आ गया, अब एक बार छोड़ देंगे, यहां तक जोड़ लेंगे हम, यहां तक जोड़ेंगे जिसमें दो, या सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन हम कॉपी पेन निकाल के या अपने पास कैलकुलेटर भी रख लेना, मल्टी करके देख लेना, बिल्कुल सेम आएगा, हमें तो पता कुछ नहीं आएगा, सेम यही आना है। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी बहुत मेहरबानी होगी, और हौसला बढ़ाते रहिए, आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। तो इनको करके देखना आपको कैसा लगता है। धन्यवाद, थैंक यू।